गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत दिन हो गए ब्लॉग डाले, मुझे पता है ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए ब्लॉग डाले, लेकिन हाँ ज़िंदगी में बहुत उछल कूद हो रही थी। तो मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ, तो 30th October 2020 हो गई है मेरी शादी। शादी हो गई है, बहुत खुश हूँ। लेकिन हुई किससे, वही छोटू से, एडवोकेट तेजस्विनी, उससे फाइनली मेरी शादी हो गई एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। लेकिन शादी का व्लॉग एक अलग से आने वाला है, शादी का व्लॉग ये नहीं है। तो आज क्या है, आज कल हम निकल रहे हैं गोवा, जो मैंने बताया था आपको कि लॉन्ग राइड पे निकलना है, तो वो ये है। कल हम लोग जा रहे हैं गोवा और आज जाना है, मुझे साइलेंसर चेंज करवाने और बहुत सारे काम है, तो फटाक से निकलते हैं। अब क्या है ना, गर्लफ्रेंड से वो बीवी बन गई है और अगर लेट किया ना तो डांट भी पड़ सकती है, तो डांट पड़े उससे पहले फटाक से निकलते हैं। अब ट्राई करते हैं इस साइलेंसर की वॉइस जो है पुरानी वाली, तो अंदर ही एक्साइटेड तो सुन रहे हैं और बिनी भी अभी पीछे बैठी हुई है, लेकिन उसको पता है कि जब मैं ब्लॉग करता हूँ चुप बैठी हुई है और अभी जाके ना साइलेंसर चेंज करवाना है, ताकि ये जो बाइक की आवाज़ से ज़्यादा जा रही है, बहुत लाउड है, तो मुझे चेंज कराना था कि ब्लॉक के बीच में से बाइक का आवाज़ ना मेरा भी आवाज़ आए। अभी जाते हैं वहाँ से, बीनी भी पीछे बैठी हुई है वो भी अपने बाइक में, बट वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट न्यू राइड के लिए। उसको सब अच्छे से जाए और हम मिलते हैं गैरेज में, क्योंकि बैटरी बहुत कम है टैंक में, तो जाते फटाक से वहाँ पर मिलते हैं तब तक के लिए। 1 hour later later. चलो निकलते हैं। सो सीन ऐसा हो गया कि जब सारे काम खत्म हो गए मेरे और घर पे आके जब बेटा चेक किया तो कैमरे में मैंने माइक ही ऑन नहीं किया था, लाइक गंदा वाला पोपट। तो मैं बताता हूँ अभी क्या हो गया, रुको। तो ऐसा हो गया कि मैंने साइलेंसर चेंज करवाया, विनी के लिए हेलमेट लिया और छोटा मोटा 2-3 काम था वो सब खत्म किया, पीयूसी ले लिया, सोसाइटी के अंदर ऐसे चलाने लगा तो क्या लगा। खैर, तो पीयूसी का भी काम ख़त्म कर लिया और एग्जॉस्ट भी चेंज कर लिया, तो अभी उसका चेक करना था माइक। और फिर वहाँ से निकलते निकलते मैंने 2-3 शॉट्स लिए थे ब्लॉग किया था कैमरे से, बट उसका पता नहीं ऑडियो कैसे बंद हो गया, और जब घर आकर डेटा चेक किया तो पता चला यार पूरा ऑडियो डाउन है। तो क्या फिर वापस निकलना पड़ा, अभी छोटा सा स्क्रीन ले लेंगे, लंबा तो जाएंगे नहीं, किस कहीं निकलना है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, अभी बाइक पैकिंग भी करना बाकी है, तो अभी देखते हैं एक्चुअली कि एग्जॉस्ट के अंदर इसका वॉइस कैसा आ रहा है, वो बोल रहा है वो सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, तो पता चलेगा कल की कैसे होगा कि नहीं होगा, वरना तो स्ट्रेस है ही, स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेस करना ही है। फिर निकले स्क्रीन लेते देखते कि वॉइस कैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था ना कि मेरा एग्जॉस्ट का वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था, माइक पर जुगाड़ किया उसके बाद भी वॉइस कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था डालने में। तभी आज देखते कैसा आ रहा था, 40-50-60 वैसे कल के लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, लाइक सारे काम रेडी हो गए और अभी वो बोलते हैं ना कि जाने से पहले नींद नहीं आती, वैसा वाला सीन क्या था, जाना तो है बैक पैक रेडी करने, बट बैक पैक की चक्कर में नींद नहीं आ रही। एक्चुअली पहले गोवा गया हूँ मैं, बाइक लेके ही गया हूँ, तब मैं ब्लॉग नहीं करता था, और ये मेरा 4th ट्रिप है बाइक से गोवा में, मतलब पहले तो मैं बहुत जाता था गोवा, लेकिन ये मेरा 4th ट्रिप है बाइक से, और शादी के बाद इन्हीं के साथ तो 1st है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि दोनों के एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं साथ में, एक दूसरे को कैसे संभालते हैं, एक दूसरे को कितना कम्फर्ट फील करवा सकते हैं,
क्योंकि उसका तो फर्स्ट बाइक राइड है, मतलब मुझे तो आदत है बाइक राइड का। एक सेकेंड, टाइम मार रहा था। मतलब मुझे तो आदत है बाइक राइड का, उसका फर्स्ट बाइक राइड है, तो वो भी एक्साइटेड है लेकिन वो नर्वस है, क्योंकि वो सोच रही है कि इतनी देर बाइक पर बैठता हूँ लेकिन नहीं जा पाता। थोड़ा सा तो मुझे भी डर लग रहा है, बट वो पता नहीं रही है मुझे कि वो थोड़ी नर्वस है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ उसके लिए समझ सकते हो कि वो कैसा रहता है। कहीं नहीं, जो भी होगा साथ में करेंगे, साथ में एक्सपीरियंस करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक्सपीरियंस जो भी हो लाइफ का उसको साथ में करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो लाइफ पार्टनर कहलाता है। यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा बंद करता हूँ क्योंकि बैटरी भी डाउन है, उसको चार्ज पे डालना है और शायद से बंद भी हो जाएगा। यहाँ से निकलते और फिर वहीं पे रोहित के वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ब्लॉग है। Meanwhile चेंज हो गया, साइलेंसर सब हो गया, अभी ऑडियो देख के बताओ कि कैसा आ रहा है, क्योंकि पहले लास्ट व्लॉग में देखा रहेगा कि बहुत बाइक का नॉइस आ रहा था। अब आई होप सो कम आ रहा हो और जुगाड़ काम कर गया हो। और अब आ गए थे, जो बोला था सुबह से रोहित के ऑफिस में आ गए, तो वी आर इन वेल फेमस फिल्म लैंड के स्टूडियो में है। फोटो कब दे रहा है? फोटो नेक्स्ट वीक, जो भी अभी इसको मिलूंगा तो फोटो कब दे रहा है। और भाई निकल रहा है सिक्किम, बाइक से जा रहा है, बाइक से, तो बाइक से जा रहा है 7 नवंबर को, तो उसके भी ब्लॉग्स ले लो, डालता नहीं है व्लॉग्स, आने का फिक्स नहीं कब आ रहा। हाँ आने का फिक्स नहीं, लेकिन इसको बोलो व्लॉग डेली डाले, प्लीज कमेंट ऑन हिज चैनल डेली व्लॉग्स प्लीज। सर ये ट्रिप है डेली व्लॉग्स से मेरा, पक्का पक्का पक्का, प्रॉमिस कर रहा है कैमरा, पक्का प्रॉमिस। तो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, उसका भी देखो, कल से मेरे डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ देखो यार, सब्सक्राइब करो, दोनों को सपोर्ट की करो, थोड़ा अच्छा लगता है। और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है कि कैसा लग रहा है, क्या अप्स एंड डाउन है। यहाँ से निकलता हूँ अभी, घर जाता हूँ, कल की पैकिंग करनी है। तो ब्लॉग आज के लिए यहीं पर रखते, क्योंकि आज माइक टेस्ट करना था बाइक का और आवाज़ चेक करना था। तो कल मिलते हैं डेली व्लॉग्स के लिए, गोवा के लिए निकलते हैं, सुपर एक्साइटेड। तब तक अपना ख्याल रखो, एडिगोस साहिबा, बी सुसेगा, टेक केयर।